ये है जॉर्ज सोरोस, अ बिलियनेयर इन्वेस्टर, बिजनेसमैन एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फॉर 30 इयर्स सोरोस ने एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म को मैनेज किया कॉल्ड द क्वांटम फंड, जिसमें अगर किसी इन्वेस्टर ने $1,000 इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू 30 इयर्स में $2.6 million से भी ज्यादा होती। दैट इज मोर देन 2600 टाइम्स रिटर्न। विद अ नेटवर्थ ऑफ अराउंड $8.6 billion जॉर्ज सोरोस वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में से एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन्होंने अपनी नेटवर्थ से ऑलमोस्ट 4 times मनी, दैट इज अराउंड $32 billion चैरिटी में डोनेट किया है। लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करने के बाद भी जॉर्ज सोरोस को पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही ईवल पर्सनैलिटी माना जाता है और वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में इनका नाम लिया जाता है। जॉर्ज सोरोस, मिस्टर सोरोस, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस। कभी ये बोला जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं। 3 इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू बाय द कांग्रेस एंड फ्लिप इट। One is Soros. Soros, others may be funding this. Go to a person holding a sign who gets paid by Soros or somebody. तो कभी ये कि वो अमेरिका के अगेंस्ट एंटी नेशनल मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं। George Soros is the biggest donator to anti-American cause. और ये भी कि सोरोस अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। Old rich opinionated person who still thinks that his views should determine how the entire world works. ऐसा कहा जाता है कि सोरोस की फिलैंथ्रोपी और डोनेशंस सिर्फ उनकी रेपुटेशन को क्लीन रखने की एक स्ट्रेटजी है, जबकि उनके एक्चुअल एक्शंस वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफी डिस्ट्रक्टिव है। द क्वेश्चन इज, How did Soros build this fearsome reputation across the world and where did this begin from? Well, this story began from England in the year 1992. उस साल वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार एक इन्वेस्टर ने ब्रिटेन जैसी बड़ी कंट्री के सेंट्रल बैंक को बैंक्रप्सी की पोजीशन पे ला दिया। The investor was none other than George Soros. लेकिन उन्होंने ये सब किया कैसे? Well, let's find out in this video. What's it like to have a lot of money? It gives you a degree of freedom, and it also gives you a degree of power. Fletcher, excuse me. The government raises interest rates twice in one day to 15%. They call it Black Wednesday. The government faced one of the biggest financial crises in history. It was incredible. You can hear wave after wave of selling hitting the market. It was a day when the Bank of England lost billions. And speculators made fortunes. In excess of $1 billion of profits. One of your money managers told us that George really does think he's a god. Hi guys, welcome to Learner's Lounge. I'm Inder Kapoor and in this episode we will talk about George Soros and how he broke the Bank of England. 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड डेवस्टेटेड था और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन यूरोप में हुई थी। देखा जाए तो आज तक जितने भी वॉर्स हुए थे उसमें यूरोप हमेशा इन्वॉल्व था, और वो भी एज अ टीम नहीं बल्कि एज ओपोनेंट्स। लेकिन इस वॉर के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि रियल ग्रोथ के लिए उन्हें कंपटीशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन की जरूरत है, और दो कंट्रीज में कोऑपरेशन का मतलब होता है ट्रेड। उस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब से वो यूरोप को एक इंटीग्रेटेड यूनियन बनाने की कोशिश करेंगे और इंटर कंट्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे। लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए यूरोप की करेंसीज का स्टेबल होना बहुत जरूरी था। रिमेम्बर, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब यूरोप की हर कंट्री एक डिफरेंट करेंसी यूज करती थी और यूरो को तब तक एज अ सिंगल करेंसी एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। तो प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के रिस्पेक्ट में बहुत वाइल्डली फ्लक्चुएट करती थी, और इस वजह से ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता था। और इन सारी करेंसीज की रिलेटिव वैल्यूज को स्टेबल रखने के लिए यूरोप ने एक सिस्टम को डिवाइस किया कॉल्ड द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, और इन शॉर्ट ERM। ERM एक टाइप का फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था जिसमें यूरोप की सारी करेंसीज को एक फिक्स रेट से लिंक कर दिया गया था, एंड दे वर गिवन अ सर्टेन मार्जिन विद इन विच द करेंसीज कुड फ्लक्चुएट।
Let me explain. In case of Britain, their currency pound was fixed at the rate of 2.95 German Deutschmarks और pound को 6% का fluctuating margin allot किया गया था. मतलब at all times 1 pound की value 3.13 Deutschmarks और 2.77 Deutschmarks के बीच में रहनी चाहिए. और अगर exchange rate 3.13 से ऊपर जाता है या फिर 2.77 से नीचे आता है तो Britain के central bank that is Bank of England की ये responsibility है कि वो कुछ policies को use करके वापस pound को fixed मार्जिन में लेके आए. वैसे तो ERM की वजह से यूरोप की ऑलमोस्ट हर करेंसी दूसरी करेंसी से लिंक थी, लेकिन उस टाइम यूरोप की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होने की वजह से जर्मनी की करेंसी डॉशमार्क को एक स्टैंडर्ड माना जाता था. एंड देयरफॉर हर यूरोपियन कंट्री जर्मनी की एक्सचेंज रेट को सबसे ज्यादा वैल्यू देती थी. फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड द ERM वर्क्ड रियली वेल एंड स्लोली ट्रेड बिगन थ्राइविंग विद इन द यूरोपियन कंट्रीज. लेकिन 1989 में थिंग्स बिगैन टू चेंज. वर्ल्ड वॉर टू के बाद से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही थी और पूरा वर्ल्ड दो कैंप्स में डिवाइडेड था, द यूएसए कैंप एंड द यूएसएसआर कैंप. जहां यूएसए कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, वहीं यूएसएसआर कम्युनिज्म को. लेकिन 1989 तक यूएसएसआर बहुत वीक हो चुका था. And on 9th November, the fall of the Berlin Wall in Germany marked the end of communism. After the collapse of the Berlin Wall, East Germany, जो पहले USSR camp का part था, अब West Germany से reunite हो गया. और क्योंकि West Germany East से काफी rich और strong था, people from East expected कि अब उन्हें भी West Germany की government वही job opportunities और social benefits देगी जो उन्होंने अपने citizens को दिए. लेकिन जैसे ही Germany की government ने ये benefits देने शुरू किए, उनका expenditure बढ़ने लगा. And soon their fiscal deficit started exploding. धीरे धीरे जर्मनी में इन्फ्लेशन आने लगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिस्ट एक ही तरीका यूज करते आए हैं, दैट इज टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स. क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी तो सिटीजंस के लिए लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे एंड द सप्लाई ऑफ मनी विल कम डाउन. स्लोली कंजम्पशन कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन वापस कंट्रोल में आने लगेगी. लेकिन इससे एक चीज और भी होती है, जैसे ही सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. एंड एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स मीन दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर पहले से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. स्लोली ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अब उस कंट्री में इन्वेस्ट करने लगते हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से द डिमांड फॉर द करेंसी ऑफ दैट कंट्री स्टार्ट्स पिकिंग अप और इसीलिए उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज या अप्रिशिएट करने लगती है. जर्मनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. अपनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जैसे ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, वैसे ही फॉरेन कैपिटल की वजह से जर्मन डॉशमार्क अप्रिशिएट करने लगा. एंड सो विद डॉशमार्क नाउ अप्रिशिएटेड, रिलेटिवली पाउंड जो कि ब्रिटेन की करेंसी थी अब डेप्रिशिएटेड दिखने लगा. सो मच सो कि एक पाउंड की वैल्यू ERM के लोअर मार्जिन दैट इज 2.77 मार्क्स को टच करने लगी. ब्रिटेन वाज स्केर्ड कि अगर जर्मनी में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स आती रहीं तो सून पाउंड अपने लोअर मार्जिन से भी ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा और बैंक ऑफ इंग्लैंड को करेंसी मार्केट में इंटरवीन करना पड़ेगा. जहां एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस इस पूरे इवेंट को अपनी क्वांटम फंड की टीम के साथ क्लोजली एनालाइज कर रहे थे. उन्हें पता था कि अब पाउंड को ERM मार्जिन में रखने के लिए ब्रिटेन के पास तीन ऑप्शंस थे. पहला कि वो जर्मनी को कन्विंस करें कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर दें ताकि वहां इन्वेस्टमेंट्स आना बंद हो जाएं और डॉशमार्क और अप्रिशिएट ना करे. दूसरा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दें ताकि वो भी फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करें और पाउंड भी अप्रिशिएट करने लगे. और तीसरा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड खुद करेंसी मार्केट में पाउंड की एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करे बाय सेलिंग डॉशमार्क एंड बाइंग पाउंड्स फ्रॉम द मार्केट. सोरोस को ये पता था कि उस टाइम ब्रिटेन की इकोनॉमी में एक स्लोडाउन चल रहा था और अगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो ब्रिटेन में लोन्स की EMIs बढ़ जाएंगी एंड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन वुड फॉल इवन मोर. दिस वुड पुट ब्रिटेन इनटू अ डीपर रिसेशन और इसीलिए ही वॉज श्योर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने इंटरेस्ट रेट्स तो नहीं इंक्रीज करेगा. मतलब ब्रिटेन अब अपना दूसरा ऑप्शन यूज करने वाला था, दैट इज
जर्मनी को कन्विंस करना। ऑन 4 सितंबर 1992 यूरोप के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स इंग्लैंड में एक मीटिंग के लिए मिले और उन्होंने जर्मनी के सेंट्रल बैंकर से रिक्वेस्ट की कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कट कर दें। और जब उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्हें ये फोर्सफुली बोला दैट व्हेन 12 मिनिस्टर्स आर सिटिंग हियर डिमांडिंग दैट यू लोअर योर इंटरेस्ट रेट्स देन व्हाई डोंट यू डू इट। जर्मनी के सेंट्रल बैंकर ने रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि जर्मनी एक बहुत ब्रूटल पास्ट देख चुका है। जब हिटलर जर्मनी की डिक्टेटर बने एट दैट टाइम जर्मनी वाज अंडरगोइंग वन ऑफ द वर्स्ट हाइपर इन्फ्लेशन दैट द वर्ल्ड हैड एवर सीन और उस पीरियड के बाद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उनकी टॉप प्रायोरिटी बन गई। तो जर्मनी के मिनिस्टर ने ये सोच लिया था कि नो मैटर हाउ मच दीस अदर सेंट्रल बैंकर्स प्रेशराइज हिम वो अपनी कंट्री को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। Our primary target in that time was to go on in fighting the acceleration of price increases in our country. ये मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने मीडिया में ये अनाउंस किया कि अभी वो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स की कोई गारंटी नहीं दे सकते। दिस अनाउंसमेंट गेव जॉर्ज सोरोस एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। ही क्विकली वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड नाउ दैट ब्रिटेन्स टू ऑप्शंस वर आउट ऑफ साइट सोरोस ने ब्रिटेन की थर्ड और इनफैक्ट लास्ट ऑप्शन पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये स्टडी करना स्टार्ट किया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड पाउंड की कितनी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर सकता है एंड दे एस्टिमेटेड कि वो मैक्सिमम 44 बिलियन डॉलर्स ऑफ पाउंड्स करेंसी मार्केट से बाय कर सकते हैं। मतलब अगर इससे ज्यादा वर्थ ऑफ पाउंड्स मार्केट में सेल कर दिए जाएं तो नथिंग वुड बी एबल टू स्टॉप पाउंड फ्रॉम क्रैशिंग। एंड अलोंग विद दिस सोरोस की टीम ने ये एनालाइज किया कि अगले 3 मंथ्स में देयर वाज अ 90% चांस कि पाउंड अपने ईआरएम मार्जिन में नहीं रह पाएगा। ये सुनते ही सोरोस बिकेम रियली एक्साइटेड और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो पाउंड के अगेंस्ट एक ऐसा अटैक प्लान करेंगे दैट द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो पहले कुछ बड़े बैंक से लार्ज अमाउंट्स में पाउंड को थोड़े टाइम के लिए बोरो करेंगे से अराउंड 1 बिलियन पाउंड्स फॉर 30 डेज और उन्हें करेंसी मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे एट द करंट एक्सचेंज रेट विच वॉज अराउंड 2.7 डॉशमार्क्स पर पाउंड। मतलब फॉर एवरी पाउंड दैट सोरोस विल सेल इन द मार्केट इन एक्सचेंज उन्हें 2.7 डॉशमार्क्स मिलेंगे। जैसे जैसे वो पाउंड्स को सेल करेंगे द एक्सचेंज रेट विल स्टार्ट फॉलिंग से इट कम्स 2.3 डॉशमार्क्स पर पाउंड और अब वो इस डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे उतने ही पाउंड्स वापस बाय कर लेंगे जितने उन्होंने सेल किए थे और बैंक्स को रिटर्न कर देंगे। इन दिस सिनेरियो व्हाइल सोरोस सोल्ड द पाउंड्स फॉर 2.7 बिलियन डॉशमार्क्स वो वही पाउंड्स 2.3 बिलियन मार्क्स में वापस बाय कर लेंगे और इन दोनों रेट्स का डिफरेंस दैट इज 0.4 बिलियन डॉशमार्क्स वुड बी द प्रॉफिट ऑफ जॉर्ज सोरोस। फाइनेंशियल टर्म्स में इस मेथड को शॉर्टिंग कहा जाता है और यही टेक्निक यूज करके सोरोस अब पाउंड के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी बेट लेने वाले थे। उन्होंने पाउंड्स को सेल करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ब्रिटिश पाउंड्स केम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। जैसे ही बाकी हेज फंड मैनेजर्स और ट्रेडर्स ने सोरोस को पाउंड सेल करते हुए नोटिस किया उन्होंने भी पाउंड्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। इन रिस्पॉन्स टू दिस मैसिव सेलिंग प्रेशर ऑन 14 सितंबर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 700 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ पाउंड्स करेंसी मार्केट से बाय किए थिंकिंग कि जॉर्ज सोरोस जैसे कुछ इन्वेस्टर्स ब्रिटिश इकोनॉमी को बीट नहीं कर सकते। बट गेस व्हाट ब्रिटेन वॉज अंडर एस्टिमेटिंग जॉर्ज सोरोस। नेक्स्ट डे सोरोस एंड हिज टीम एट क्वांटम वेंट ऑल आउट ऑन पाउंड्स। उन्होंने अपनी फुल कैपेसिटी में पाउंड्स को सेल करना स्टार्ट किया। इसके रिस्पॉन्स में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मार्केट से $1 बिलियन वर्थ ऑफ पाउंड्स बाय किए और थोड़ी देर के बाद 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन द काउंट जस्ट डिड नॉट सीम टू स्टॉप। जितने पाउंड्स बैंक ऑफ इंग्लैंड बाय कर रहा था उतने ही पाउंड्स सोरोस और बाकी बहुत सारे ट्रेडर्स सेल कर रहे थे विच मींस नो मैटर हाउ मच द बैंक ऑफ इंग्लैंड बॉट पाउंड के एक्सचेंज रेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था। बाय दिस टाइम बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑलमोस्ट 27 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ पाउंड्स मार्केट से बाय कर चुका था और अब जब करेंसी मार्केट में इंटरवीन करने से कुछ नहीं हो रहा था तो ब्रिटेन हैड जस्ट वन लास्ट एरो इन देयर क्विवर टू सेव पाउंड फ्रॉम डेप्रिशिएटिंग।
इंटरेस्ट रेट। ऑन 16 सितंबर 1992 बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट 10% से 12% कर दिए, लेकिन डिस्पाइट दिस इंक्रीज पाउंड की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आया। थोड़ी देर बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक और अनाउंसमेंट करी कि इंटरेस्ट रेट्स अब 12% से 15% कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार भी द ब्रिटिश पाउंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल। पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था कि ब्रिटेन अब सिर्फ डेस्परेशन में ही इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर रहा था एंड नो फॉरेन इन्वेस्टर ट्रस्टेड देयर इकोनॉमी। मीनवाइल सोरोस न्यू दैट द एंड ऑफ द वॉर वाज नियर। इट इंडिकेटेड टू अस दैट वी आर इन द एंड गेम। And at 7:30 PM that day, ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और पूरे वर्ल्ड की मीडिया के सामने ये अनाउंस किया कि ब्रिटेन अब पाउंड को उसके ERM मार्जिन में नहीं रख सकता एंड देयरफॉर दे हैव डिसाइडेड टू क्विट द ERM अग्रीमेंट। इस अनाउंसमेंट के बाद पाउंड की वैल्यू डॉशमार्क के रिस्पेक्ट में 14% तक गिर गई। दैट मींस बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो $27 बिलियन वर्थ ऑफ पाउंड्स खरीदे थे ऑन दैट दे सफर्ड अ लॉस ऑफ अ वुपिंग $3.8 बिलियन। और जितना लॉस बैंक ऑफ इंग्लैंड को हुआ उतना ही प्रॉफिट जॉर्ज सोरोस और बाकी के ट्रेडर्स को मिला, विद सोरोस अलोन क्लेमिंग ओवर $1 बिलियन इन प्रॉफिट्स। 16 सितंबर 1992 को ब्लैक वेंसडे का नाम दिया गया क्योंकि उस दिन पहली बार एन इन्वेस्टर अलोन ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। और यही सोरोस ने स्वीडन, थाईलैंड, मलेशिया और रशिया के साथ भी किया। दिस इज एग्जैक्टली हाउ सोरोस बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ एन ईविल जीनियस एंड व्हाई द वर्ल्ड फियर्स हिम। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जॉर्ज सोरोस? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर दिस एपिसोड वी रेफर टू द बुक मोर मनी देन गॉड बाय सेबेस्टियन मेलबी। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, don't forget to like, share, and subscribe to the channel.